हेलो एंड वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम शाइनिंग स्टार में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर, क्योंकि वो बॉलीवुड की एक शाइनिंग स्टार ही है। बता दें आपको कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं वो हमेशा से ही लाइमलाइट का कारण बनी रहती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन के हुस्न के दीवाने मानो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं, जो उनकी एक झलक को देखने के लिए उनका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। हालांकि इन दिनों की बात करें तो ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं वो कांस फिल्म फेस्टिवल 2018 में अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही हैं। जी हां, आपको बता दें ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पे चली, जहां उन्होंने पर्पल कलर का गाउन पहना हुआ था और मानो वो एक पिकॉक की तरह दिखाई दे रही थी। वो इतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी कि जब वो रेड कारपेट पे उतरी तो हर किसी की निगाहें बस उन्हीं पे टिक गई। आज हम आपको शाइनिंग स्टार में बताएंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन का कांस का सफर। बता दें आपको कि किस तरह से आज आप इस प्रोग्राम में देखेंगे, किस तरह से कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन की एंट्री हुई थी और उसके बाद तो हर साल ऐश्वर्या राय बच्चन ने मानो कांस फिल्म फेस्टिवल की रौनक ही बढ़ा दी हो। दिन ब दिन जब भी उन्हें कान फेस्टिवल में जाने का मौका मिला, उन्होंने अपने जलवे इस तरह बिखेरे आप भी देख कर उनके दीवाने हो जाएंगे। तमाम फैंस हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के, जो उनके हुस्न और उनकी खूबसूरत आंखों के दीवाने हैं। मगर आज के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि वाकई ही ऐश्वर्या राय बच्चन कितनी खूबसूरत हैं और तरह तरह के जब वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हैं तो मानो फैंस के दिलों में आग लग जाती है। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांस फिल्म फेस्टिवल की धूम जो है वो दुनिया भर में काफी ही ज्यादा छाई हुई है। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2018 की जो शुरुआत है वो 8 मई को हो गई और इसका जो अंत होगा वो 19 मई को रखा जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस जो हैं वो शिरकत कर चुकी हैं और करने भी वाली हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें बॉलीवुड की विश्व सुंदरी कहलाए जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन की, ऐश्वर्या राय बच्चन का हाल ही में कांस लुक भी सामने आया जिसमें वो काफी ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आपको बता दें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो एकदम पर्पल कलर के गाउन पहने हुए दिखाई दी, मानो वो यहाँ पर किसी मोरनी से कम नहीं दिख रही थी। आज हम आपको इस प्रोग्राम में ऐश्वर्या राय बच्चन के पुराने कांस के लुक को दिखाएंगे। थोड़ी थोड़ी निगाहें जो हैं आप इस प्रोग्राम पर डालिए और साथ ही साथ इन रिपोर्ट्स में आप देखेंगे कि किस तरह से कांस में हमेशा से ही ऐश्वर्या राय बच्चन का जादू जो है वो चलता आया है। बता दें आपको पिछले 17 सालों से लगातार ऐश्वर्या राय बच्चन कांस में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। ऐश्वर्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खुद को प्रेजेंट करना अच्छे से जानती हैं और इसके लिए वो अपने लुक्स, ड्रेस से लेकर फैशन की हर एक बारीकियों पर नजर देती हैं। शादी और बेटी आराध्या के जन्म के बाद भी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस फेस्टिवल में वो पहुंची और अपने बढ़े हुए वजन के बावजूद यहाँ पर उन्होंने अपनी मौजूदगी भी दर्ज करवाई। आपको बता दें हाल ही की अगर बात की जाए तो हाल ही में उनकी बेटी आराध्या के साथ उनको स्पॉट किया गया था। और हालांकि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आप भी थोड़ा सा गौर कीजिए, इन तस्वीरों में ऐश्वर्या राय बच्चन मोटी दिखाई दे रही थी, मगर इसके बावजूद भी उनके कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए तो यहां पर उनके कॉन्फिडेंस में कोई भी कमी नहीं दिखी। हर साल की तरह इस साल भी ऐश कांस में शामिल होने पहुंची। बता दें आपको कि ये 17वीं बार होगा जब ऐश्वर्या राय बच्चन कांस के महत्वपूर्ण मंच में भारत को प्रतिनिधित्व करेंगी और साथ ही साथ ये भी बता दें कि वो कर चुकी हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अगर बात की जाए ऐश्वर्या राय बच्चन की, पहली बार उन्होंने 2002 में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ कांस में वो पहुंची थी। तब से हर बार ऐश्वर्या ने कांस के रेड कार्पेट पर अपने जलवे बिखरे और हर बार मौजूदगी किसी क्वीन की तरह होती है। उनके सामने हर बार पिछली बार से बेहतर दिखने की चुनौती भी रहती है, लेकिन वो हर बार अपनी छाप छोड़ ही जाती है। हर बार ऐश्वर्या बेहद ही अलग और अनोखे अंदाज में दिखाई देती हैं। शायद यही वजह है कि ऐश का कांस के मंच पे होना तय माना जाता है। उनकी मौजूदगी इस कार्यक्रम को और भी खास बनाती है।
ऐश्वर्या के 17 सालों का सफर साल 2002 में। इस साल ऐश्वर्या राय बच्चन पहली बार फिल्म देवदास की टीम के साथ रेड कार्पेट पे उतरी और उनके साथ डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान भी मौजूद थे। पहली बार इस मंच पे आने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने सिंपल लेकिन शाही अंदाज के हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी में ना सिर्फ ऐश्वर्या की खूबसूरती का जादू सर चढ़कर बोल रहा था बल्कि ऐश ने इस साड़ी के जरिए भारतीय परंपरा को भी पूरे देश में जताया था। बात की जाए साल 2003 की, इस साल भी ऐश्वर्या ने डिजाइनर नीति लूला की तीन अलग अलग ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनी थी लेकिन इस बार ऐश्वर्या को फैशन टिक्सन का सामना करना पड़ा और उनकी तीनों ही ड्रेस पिछले साल जैसे कमाल नहीं ढा पाई। ऐश की हरे रंग की साड़ी की बात की जाए तो इसमें वो थोड़ी ही अजीब दिखाई दी। वही बात की जाए 2004 की, लगातार तीन बार ऐश ने अपने डिजाइनर नीते लूलो की ड्रेस को चुना, इस बार उन्होंने इंडो वेस्टर्न को चुना था। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में 2004 में ऐश्वर्या सिल्वर से शिमरी कलर के गाउन में दिखाई दी, हालांकि यहां पर वो काफी ही बोल्ड भी दिखी। वहीं अगर बात की जाए 2007 की, इस साल ऐश्वर्या शादी के बंधन में बन चुकी थी और शादी करने के बाद यहां पर कांस में पहली बार उनके पति अभिषेक बच्चन के साथ उन्होंने यहां पे वॉक की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो ऐश्वर्या राय बच्चन है वो काफी ही ज्यादा अपने पति के साथ काफी ही ज्यादा प्यारी भी दिखाई दी। तो वहीं साल 2008 की बात की जाए, ऐश्वर्या तीन अलग अलग गाउन में 2008 में दिखाई दी। एक तरफ उन्होंने बोल्ड पिंक से लेकर ब्लैक पहना हुआ था और अरमानी गोल्डन कलर में तीनों ही ड्रेसेस ने वो यहाँ पर गजब की दिख रही थी। बात की जाए अगर 2009 की, एक बार फिर से 2009 में ऐश ने अपने लुक से हर किसी को ढा दिया। देख सकते हैं ऐश 2009 में दो अलग अलग स्टाइल में दिखाई दी और यहाँ पर वो काफी ही खूबसूरत दिखी। बात की जाए अगर 2010 की, ऐश्वर्या राय बच्चन का जादू कांस में बढ़ता ही जा रहा था। मानो कांस फिल्म में फिल्म फेस्टिवल के लिए ऐश्वर्या के लिए एक खास ही जगह बन गई थी। 2010 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने डिजाइनर सब्यसाची की गोल्डन लुक वाली साड़ी को पहना। उनके पति यहां पर अभिषेक बच्चन भी यहां पर दिखाई दिए। उसके बावजूद भी ऐश्वर्या यहां पर तीन अलग अंदाज में भी दिखाई दी। एक तरफ उन्होंने पर्पल कलर का गाउन पहना तो वहीं दूसरी बारी उन्होंने ब्लैक कलर का गाउन पहना तो तीसरी बारी उन्होंने काफी ही ऑफ वाइट ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था जहां वो बेहद ही खूबसूरत दिखी। अगर बात की जाए 2011 की, 2011 में ऐश्वर्या राय बच्चन काफी ही ज्यादा ग्लैमरस अंदाज में दिखाई दी। ऐश्वर्या राय बच्चन का जादू मानो 2011 में काफी ही अनोखा दिखा। मगर सबसे दिलचस्प रहा तो वो था साल 2012। मां बनने के बाद कांस में ऐश्वर्या राय की ये ग्रैंड अपीयरेंस थी। हालांकि उस वक्त बड़े वजन को लेकर उनके लुक्स के बारे में काफी बातें हुई लेकिन ऐश्वर्या ने इस मौके पर भी अपने स्टाइल और लुक से हर किसी का दिल जीता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भले ही काफी वजन बढ़ गया हो ऐश्वर्या राय बच्चन का मगर उनकी खूबसूरती की बात की जाए तो वो अब भी हर किसी को यहाँ पर फेल करती दिखी। तो वहीं 2013 में धीरे धीरे वो अपने वजन पे काम कर रही थी और वजन काफी कम हो गया था और वो यहाँ पर काफी ही ज्यादा सेक्सी अंदाज में दिखी। साल 2014 में मां बनने के 2 साल बाद ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी वापस पुरानी ऐश्वर्या राय बच्चन बन गई और काफी ही ज्यादा यहाँ पर वो खूबसूरत दिखी। 2015 की बात की जाए तो ऐश्वर्या का जादू लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मानो हर किसी की निगाहें बस कांस में ऐश्वर्या पर ही थी कि कब ऐश्वर्या राय बच्चन जो है इस बारी फिर से अनोखे अंदाज में दिखाई देंगी। 2016 की बात की जाए तो यहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन पर्पल लिपस्टिक लगाए देखी गई थी मगर यहां पर लिपस्टिक के कारण उन्हें काफी ट्रॉल भी किया गया। 2017 की बात की जाए तो 2017 में ऐश्वर्या राय बच्चन बिल्कुल फेरी टेल की तरह दिखाई दी। मानो ऐश्वर्या राय बच्चन का जो जादू था वो इस कदर दिखाई दे रहा था कि हर किसी की निगाहें उन पे टिक गई। 2018 की हमने बात की ही, आपने देखा किस तरह से हाल ही में जो कांस चल रहा है वहां पर अलग अलग अंदाज में ऐश्वर्या राय बच्चन दिखाई दे रही हैं और हर अंदाज में उनका जादू काफी ही बरकरार रहा। सो वेल वेल वेल, आपने देखा आप सबकी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में हमने आपको दिखाया और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत थी ऐश्वर्या राय बच्चन की जर्नी।
हालांकि हाल ही में भी ऐश्वर्या राय बच्चन कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ पहुंची। तो अगर पिछले कान फिल्म फेस्टिवल की बात की जाए तो हर जगह पर कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। खास बात ये थी कि हर साल उन्हें जाने का यहाँ पर मौका मिलता है। बता दें आपको कि मानो अब तो तैसा ही हो गया है, जब भी याद आता है कि कान फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है तब हर किसी के जहन में बस एक ही होता है, वो होता है कि हाँ ऐश्वर्या राय बच्चन तो जरूर ही आएंगी। और ऐसा देखा भी जाता है, आपने देखा कि किस तरह से कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन की जर्नी शुरू हुई थी और साथ ही साथ अब तक वो इस खूबसूरत जर्नी को कंटिन्यू भी कर रही हैं। शादी के बाद वो अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ भी यहाँ पर वॉक करती दिखाई दी थी और जब वो प्रेगनेंसी के बाद वापस कान फिल्म फेस्टिवल में आई थी, भले ही वो मोटी जरूर थी मगर यहाँ पर उनकी हुस्न के जलवों में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली। और हाल ही में आपने तस्वीरों में देखा होगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन इतनी प्यारी दिख रही थी कि मानो जब वो रेड कार्पेट पे आई तो हर किसी की निगाहें बस उन्हीं पर थी कि वाओ ऐश्वर्या तुम बेहद खूबसूरत दिख रही हो। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।